ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको जस्ट क्या कॉन्सेप्ट बताया है एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज बेसिकली अल्टरनेट टू मेथड वन। मेथड वन रेंज निकालने के, मेथड वन का ये अल्टरनेट है। ये कब लगता है? एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये कब लगा सकते हो? ये आपका कब लगाना है? मैंने बताया था जब आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तब आपको ये मेथड लगाना है। अगर आपको लगता है कि डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है तो आपको ये मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है? ये कब लगाना है? व्हेन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, ठीक है? व्हेन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। इस पे आपको मैंने वो वाला क्वेश्चन करके दिखाया था, कौन सा? जो आपने आपको मैंने दिया था मॉड साइन एक्स माइनस वन अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस वन। अब देखिए इसकी हेल्प से आप कुछ पिछले क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस वन। देखिए ये वाला क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? अब इसमें आप अपना आंसर मैच करना, आपने कॉपी में लिखा होगा आंसर, आप अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये वन प्लस ई टू द पावर एक्स ये ऑलवेज पॉजिटिव है। जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तो हम मेथड वन का अल्टरनेट लगा सकते हैं। क्या है अल्टरनेट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जैसे दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये मेथड हमारे लिए काफी ईजी पड़ेगा। तो जरा देखिएगा, आई कैन राइट इट एज ई टू द पावर एक्स प्लस वन माइनस टू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस वन। नेक्स्ट, e टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन e टू द पावर एक्स प्लस वन, ये हो गया वन माइनस टू डिवाइडेड बाई e टू द पावर एक्स प्लस वन। देखिए ये आएगा, ठीक है? अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं e टू द पावर एक्स की मिनिमम वैल्यू डालू तो मुझे इस पूरे का मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम तो ये पूरा मैक्सिमम, और अगर मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा तो मुझे y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से y का मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रहा है वन माइनस टू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो प्लस वन वन, तो यहां से आपको मिला माइनस वन। वन मोर थिंग ध्यान रखिएगा कि सिंस ई टू द पावर एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो की ओर टेंड होती है, ई टू द पावर एक्स कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, ठीक है? तो इस कारण से यहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे, इस माइनस वन पे आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे। क्यों ओपन ब्रैकेट लगाओगे? फिर से सुनिए, e टू द पावर एक्स कभी भी जीरो होता नहीं है, जीरो की ओर टेंड करता है। ये देखिए ये वाला जीरो की ओर टेंड करता है, जीरो होता नहीं है, ठीक? तो जीरो जब ये होता नहीं है तो आप यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से y का मैक्सिमम वैल्यू देखिए, y का मैक्सिमम के लिए e टू द पावर x का मैक्सिमम रखो, e टू द पावर x का मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी, तो जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो वन माइनस टू डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी ये जीरो बनेगा और वन माइनस जीरो वन आएगा। सिंस आप इन्फिनिटी पे कभी पहुंच नहीं सकते हो इसलिए इस वन पे भी आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है, और इसलिए इसका जो रेंज आएगा वो आएगा माइनस वन टू वन ओपन ऑन बोथ साइड। सेम आंसर आपने चेक कर सकते हो, सेम आंसर आपने निकाला हुआ है कॉपी में थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था, तो है ना? तो मेथड वन जो था एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, दैट इज वेल, बट उसका अल्टरनेट भी अवेलेबल है। हाँ, अल्टरनेट के साथ लिमिटेशन ये है कि आप ये मेथड तभी लगा सकते हो जब इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तब, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन आपने किया था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये भी आपने किया था, ठीक है? लेकिन इसको हम लोग अल्टरनेट मेथड से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें प्रॉपर मेथड वन ही फॉलो करना पड़ेगा। इसको अल्टरनेट से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जरा देखिए, इसका डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कैन बी जीरो। जब आप एक्स की वैल्यू रूट थ्री रखोगे तो एक्स स्क्वायर थ्री बनेगा, तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। जब डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है तो ध्यान रखिएगा ये अल्टरनेट वाला मेथड आपको नहीं लगाना, आपको प्रॉपर मेथड फॉलो करना है जो मेथड वन मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है? अच्छा, उसका रीजन ये है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है ना तो ये वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की ओर भागने लगती है, फिर वो इस मेथड से फिर आपका आंसर कवर नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें हम अल्टरनेट मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? इसको करने के लिए आपको प्रॉपर मेथड की ही हेल्प लेनी होगी।
अच्छा एक और जैसे छोटा सा क्वेश्चन अगर हम बोलें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, जैसे ये देखिए, अब इसका रेंज निकालने के लिए वी हैव नाउ टू चॉइसेस, एक ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और फिर अप्लाई द कंडीशन ऑफ डोमेन, और या फिर अल्टरनेट। मुझे बताइए अल्टरनेट इस पे लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। यस सर। क्यों लगेगा? डिनोमिनेटर पॉजिटिव है सर, नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वन प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, इसलिए इसमें अल्टरनेट लग सकता है। सो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं प्लस वन माइनस वन करके, तो आपके पास देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वन हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। ठीक है, तो अब आप फिर से वही फॉलो करिए कि अगर आपको y का मिनिमम चाहिए तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम रखो, इसका मैक्सिमम आएगा, और सिंस सब्ट्रैक्ट मैक्सिमम होगा इसलिए y का मिनिमम आएगा। एक्स स्क्वायर का मिनिमम जीरो है तो वन माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन इज वन, तो y का मिनिमम क्या आ गया? जीरो। इसी तरीके से y का मैक्सिमम, तो y के मैक्सिमम के लिए आप एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम रखो, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, तो वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी ये वाला जीरो बनेगा, तो वन माइनस जीरो जो है वो कितना आएगा? वन। अब देखिए इसका रेंज आ जाएगा जीरो टू वन, जीरो पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, वन पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी पे कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कभी पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट लगाना होगा। सो दैट इज अल्टरनेट टू मेथड वन। अब ध्यान रखिएगा जहां पे अल्टरनेट लगेगा वहां पे अल्टरनेट वाला ही आसान होता है, लेकिन हाँ ये सारी जगह पे नहीं लगता, और जहां पे अल्टरनेट नहीं लगेगा वहां पे आपको प्रॉपर मेथड वन करना होगा। सो आई थिंक मेथड वन एंड उसका अल्टरनेट आपको समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा। नो सर। नो सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेथड वन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेथड वन का मैं लिखता हूं, आप इसको ट्राई करिए, फिर इसको हम सोल्यूशन करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग रेंज निकालने के मेथड नंबर टू पे आते हैं। ठीक है, तो योर क्वेश्चन इज कि आपको रेंज बताना है y इज इक्वल टू टू मॉड साइन x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय साइन x प्लस वन। ठीक है, ट्राई करिए, नॉट सो इजी क्वेश्चन, जल्दी से करिए, फिर हम लोग इसके बाद मेथड टू पे आते हैं। मेथड वन एंड उसका अल्टरनेट अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके बाद मेथड टू पे आते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग मेथड टू पे आते हैं, रेंज निकालने के मेथड टू पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आसान नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मॉड है और यहाँ पे मॉड नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड को हटा देते हैं, और मॉड को हटाने के लिए आपको पता है अच्छे से कि हम लोगों को क्या करना होता है, केस लेना होता है। केस वन लेते हैं जब हमारे मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है साइन एक्स और ये पॉजिटिव है, मतलब ये जीरो से बड़ी है या इक्वल है तब भी, एंड ऑब्वियसली लेस आर इक्वल टू वन, ये तो ऑटोमेटिकली होता है, साइन एक्स हमेशा वन से छोटा ही होता है। तो केस वन हम लोग लेते हैं कि जब हमारा साइन एक्स जीरो से बड़ा है एंड वन से छोटा, तो वो तो ऑटोमेटिकली होता है। इस केस में जब हम मॉड हटाएंगे, इस केस में जब ये वाला मॉड हटाएंगे, तो सिंस मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है इसलिए मॉड हटाते समय किसी तरीके का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो आपके पास देखिए आएगा टू साइन एक्स माइनस थ्री अपॉन साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आया आपके पास। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखिए आपके पास इसका रेंज निकालने के लिए दो रास्ते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड देन अप्लाई कंडीशन, लेंथी है। अल्टरनेट मैंने बताया था, अल्टरनेट क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता डिनोमिनेटर जीरो, क्योंकि अगर साइन एक्स जीरो से वन के बीच है, ये वन में ऐड हो रहा है, तो ये तो वन से टू के बीच रहेगा,
सो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए मैं अल्टरनेट टू मेथड वन लगा सकता हूं। तो एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो देखिए मुझे यहाँ पे प्लस टू करना पड़ेगा और माइनस टू करना पड़ेगा, तो माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस फाइव, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वन, ये ठीक भाई, टू यहां से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा साइन एक्स प्लस वन, जो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी आपके पास देखिए आएगा वाई इज इक्वल टू टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस वन। ठीक, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, जब ऐसा पॉसिबल हो तो जरूर करिए, ये काफी अच्छा मेथड होता है। ओके नेक्स्ट, अब फिर से वही काम करना है, वाई का मिनिमम, वाई के मिनिमम के लिए साइन एक्स का मिनिमम रखिए, साइन एक्स का मिनिमम है जीरो, तो जब आप साइन एक्स का मिनिमम जीरो रखोगे तो वाई का मिनिमम आएगा टू माइनस फाइव विच इज माइनस थ्री, और यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, इक्वालिटी है। वाई का मैक्सिमम, तो साइन एक्स का मैक्सिमम आप रख सकते हो वन, तो वाई का मैक्सिमम आएगा टू माइनस फाइव अपॉन वन प्लस वन हो गया टू, और ये आपके पास आ जाएगा फोर माइनस फाइव कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू। ठीक, तो यहां से फर्स्ट वाले केस से आपको मिल रहा है y बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू माइनस हाफ क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स, एंड इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर वन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग केस टू पे आते हैं। केस टू हम लोग लेते हैं कि जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी साइन एक्स जो है वो क्या हो जाए निगेटिव, तो साइन एक्स को हम लोग निगेटिव लेते हैं, साइन एक्स निगेटिव लेस देन जीरो। अब इक्वालिटी चलो नहीं लगाते, इक्वल हमने यहां पे कर लिया है, एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस वन, ये ऑटोमेटिकली होता है, हालांकि इक्वल भी होता है ना, लेकिन हम इक्वालिटी यहां पे नहीं लगा रहे हैं। इक्वालिटी ना लगाने का रीजन ये है क्योंकि साइन एक्स माइनस वन हो ही नहीं सकता, अदरवाइज ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फिर ये पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन साइन एक्स माइनस वन हो ही नहीं सकता, इसलिए जो सेकेंड केस हम लोग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं साइन एक्स माइनस वन से जीरो के बीच। ओके, तो यहां पे जब आप मॉड हटाओगे तो इस बार इसका साइन चेंज होगा, मॉड हटाते समय जब मॉड हटाओगे तो इसका साइन चेंज होगा क्योंकि ये निगेटिव है, इस बार आपके पास देखिए आएगा माइनस टू साइन एक्स माइनस थ्री अपॉन साइन एक्स प्लस वन। अब चेक करिए क्या इस पे मेथड वन का अल्टरनेट लगेगा, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको दिख रहा है यस लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि साइन एक्स प्लस वन है, साइन एक्स माइनस वन से जीरो के बीच है, अगर माइनस वन से जीरो के बीच आप कोई भी नंबर रखते हो माइनस वन से जीरो के बीच तो ये जीरो नहीं होगा, माइनस वन पे ये जीरो होता है लेकिन माइनस वन पे ये देखो यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो इसलिए माइनस वन से जीरो के बीच अगर आप लोगे माइनस वन से जीरो के बीच तो ये डिनोमिनेटर इस इंटरवल में जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग अल्टरनेट टू मेथड वन लगा सकते हैं। सो नाउ लेट्स एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में अगर एक्सप्रेस करना है तो आई विल राइट माइनस टू साइन एक्स माइनस टू, एंड ये माइनस थ्री था टोटल तो माइनस वन और करना होगा अपॉन साइन एक्स प्लस वन। नाउ इसको सेपरेट करिए, यहां से माइनस टू कॉमन निकालो, अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस वन जो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन आया, दैट इज योर वाई। अब चलिए फिर से वही काम किया जाए, फिर से वाई की मिनिमम निकालने के लिए हम लोग साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखते हैं, साइन एक्स की मिनिमम ये यहां पे देखते रहना, साइन एक्स की मिनिमम है माइनस वन, टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन, तो जब आप टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन वैल्यू रखोगे तो ये क्या मिलेगा वन अपॉन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो, मतलब वही टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, वन अपॉन जीरो ये क्या मिलेगा इन्फिनिटी, तो माइनस टू माइनस इन्फिनिटी आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी, है ना, ये क्या बना माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस टू माइनस इन्फिनिटी क्या मिल गया माइनस इन्फिनिटी। ओके, वाई का मैक्सिमम चलिए निकालते हैं, वाई का मैक्सिमम के लिए साइन एक्स का मैक्सिमम रखिए, माइनस टू माइनस वन अपॉन साइन एक्स का मैक्सिमम है जीरो, तो जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा जीरो प्लस वन आ जाएगा वन,
तो माइनस टू माइनस वन आ गया माइनस थ्री, तो यहां से आपके पास आएगा वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री। माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आएगा, माइनस थ्री जीरो पे आपने ओपन ब्रैकेट लगाया है, तो चलो यहाँ पे भी हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। दैट इज योर इक्वेशन नंबर टू। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे कि केस वन और केस टू दोनों का यूनियन लेना होगा। ठीक है, केस वन केस टू दोनों का हमें क्या लेना होगा, यूनियन। जब दोनों का यूनियन लोगे तो जरा देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री, यूनियन माइनस थ्री टू माइनस हाफ, सो फाइनली हमारा जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस हाफ तक, ये पूरा हमारे पास रेंज आ रहा है। ठीक है, दैट इज द आंसर। कहीं पे डाउट है तो बताइए मुझे। यूनियन क्यों लिए, यूनियन क्यों लिए, यूनियन इसलिए लिए हैं क्योंकि देखो जब कभी भी केस वन केस टू में और लगता है तो यूनियन लेते हैं, और यहाँ पे भाई साइन एक्स या फिर जीरो से वन होगा, ये पहला केस हो गया, या फिर साइन एक्स माइनस वन से जीरो हो गया, ये दूसरा केस हो गया। तो जब दो अलग अलग केस होंगे तो दोनों का यूनियन लोगे। इंटरसेक्शन कब लेते हैं, जब दोनों केस एक साथ होना जरूरी होता है तब इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन ये एक साथ थोड़ी होगा, ये तो अलग अलग केसेस हैं। और कुछ सर, केस टू में अल्टरनेटिव क्यों लगाया है सर? केस टू में अल्टरनेटिव क्यों लगाया, तो क्यों नहीं लगाना ये बताओ मुझे, जल्दी बताइए प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता ना, ये डिनोमिनेटर कब जीरो हो सकता है बताओ मुझे, जब साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन हो, माइनस वन, लेकिन माइनस वन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे देखो इक्वालिटी नहीं लगी है ना। साइन एक्स अगर माइनस वन से जीरो के बीच रखोगे, ये वन प्लस साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता, और जब ये जीरो नहीं हो सकता तो आप अल्टरनेट लगा सकते हो, यू डोंट नीड टू अप्लाई प्रॉपरली मेथड वन, आप अल्टरनेट लगा सकते हो। ओके सर, और बताइए। आगे बढ़े, कर लिए? यस सर। इसके बाद देखिए रेंज निकालने का हम लोग करते हैं मेथड नंबर टू। ठीक है, रेंज निकालने का क्या करते हैं हम लोग, मेथड नंबर टू, मेथड टू। और मेथड टू है बाय मेकिंग क्वाड्रेटिक। मेथड टू है बाय मेकिंग क्वाड्रेटिक। ठीक, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बाय मेकिंग क्वाड्रेटिक रेंज निकालने का ये दूसरा मेथड है। देखिए ये मेथड, ऑल्दो इसका कॉन्सेप्ट आप बहुत कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हो, लेकिन फिर भी इसकी हेल्प से हम लोग रेंज निकालते हैं। अब ये कब यूज किया जाता है, देखिए इसका कोई बहुत फिक्स रूल नहीं है, आपका मेन मेथड मेथड वन ही है। आप कोशिश करोगे कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, लेकिन आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन में एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, सारे क्वेश्चन में एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो अगर सारे एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो फिर आप देखिए जरा उस क्वेश्चन को ध्यान से कि क्या ये क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रहा एक्स में या किसी और फंक्शन में, क्या ये क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रहा। अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो आप प्रॉपरली क्वाड्रेटिक बना दीजिए। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आपको क्या करना है ये हम लोग इस क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन ही सीधे लिखेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखानी है इस, क्योंकि आपको करना स्टार्ट कहां से करना है, वही एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अगर आप देखें कि नहीं हो पा रहा है एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस, तो फिर आप सोचिए कि अच्छा चलो इसको देखिए क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रहा, क्वाड्रेटिक अगर बन रहा तो क्वाड्रेटिक बनाइए और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस आप क्वेश्चन अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया, इसके लिए मैंने कोई आपको स्पेशली स्टेप्स नहीं लिखाए हैं मेथड टू के लिए, आप जस्ट मेथड वन के जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो।
मेथड वन के जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। जब आप एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो क्या करते हो भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद अगला स्टेप ये होता था कि आप सारे एक्स के टर्म को एक साथ कलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे आप सारे एक्स के टर्म को एक साथ कलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो ये पूरी तरह से कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मैंने बताया कि जब आप एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरा रास्ता सोचिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रही। तो अगर आप देखोगे कि हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ये एक्स की क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो आप इसको प्रॉपरली एक्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो प्रॉपरली एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए देखिए वाई इंटू एक्स स्क्वायर, प्रॉपरली एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ओके नेक्स्ट। अब देखिए हमने प्रॉपरली एक्स में क्वाड्रेटिक बना लिया, अब आगे क्या करना है ये समझिएगा। यहाँ पे आपको रेंज निकालना था, रेंज मतलब वाई की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी। तो y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए आप x की वैल्यू कुछ डालते, उसके लिए y की वैल्यू मिलती, लेकिन आप जो भी x की वैल्यू डालते रेंज निकालने के लिए वो रियल वैल्यूज डालते, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप रियल x ही डालोगे, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में ये जो x की क्वाड्रेटिक है x विल बी रियल। इस क्वाड्रेटिक में x जो है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप x की रियल वैल्यू ही डालते, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि भाई सिंस एक्स इज रियल सो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू जीरो। रूट्स रियल की क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो चलिए लगाते हैं डी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। हमारे पास आएगा देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी वाई इंटू वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं। तो पहले y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। इसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करिए, तो ये बना देखिए 2y-1 into 2y+1 less or equal to 0 and minus half and half are the critical points, ठीक है। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, माइनस हाफ एंड हाफ आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हो गया वेवी कर्व, और लेस देन आर इक्वल टू जीरो के लिए आपको मिल रहा है माइनस हाफ टू हाफ, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या मिला, वाई बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। वाई मतलब रेंज, वाई ही रेंज होता है, तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। दोनों जगह पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, देखिए दोनों जगह पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस हाफ टू हाफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। वंस मोर, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई की जब कोशिश करोगे तो आपने देखा कि नहीं हो पा रहा, तो आप देखिए क्वाड्रेटिक बन रही, आपने देखा हाँ क्वाड्रेटिक बन रही, तो क्वाड्रेटिक बना लीजिए। और नाउ सिंस एक्स इज रियल, तो उसके रियल होने की कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। वाई में इनइक्वालिटी मिली, जिसको सॉल्व करके ही आपको रेंज मिलेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जिसने ये क्वेश्चन नोट कर लिया हो वो अगले क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको जो रूल बताया गया उसको फॉलो करते चलना है और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से करिए, फिर हम करते हैं। चलिए करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि एक और क्वेश्चन करना है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहां पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत। You try to express x in terms of y. उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो आपके पास देखिए आएगा y into x is equal to x square plus
2x plus 3. अब इसको प्रॉपरली x में क्वाड्रेटिक बनाओ. यहां से इतने से तो समझ में आ गया कि हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो फिर देखिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक बन रही है. आपने देखा हाँ भाई क्वाड्रेटिक तो बन रही है. तो इसको प्रॉपरली क्वाड्रेटिक बनाते हैं x में. तो प्रॉपरली जब x में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x माइनस एक्स वाई. जब ले जाओगे तो x कॉमन और अंदर बचेगा 2 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. और फिर अब आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई यहाँ पे x जो भी डालोगे वो रियल डालोगे. तो फिर यहाँ पे भी आप वही लिखिए कि भाई सिंस x इज रियल. सिंस x क्या है, रियल है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा. तब इसका डिस्क्रिमिनेंट करते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यू विल गेट 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 3 है. ये हाँ ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ऐसे फालतू का. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना आ जाएगा 12 एंड इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0. नाउ ओपन इट, क्या मिला, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 12. 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 0. अब देखिए इस इनइक्वालिटी को वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं. वेवी कर्व से सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको सोचोगे कि ये फैक्टराइज हो जाएगा तो ये फैक्टराइज नहीं होगा. जब फैक्टराइज नहीं होगा तो आपको क्या तरीका मैंने बताया, आपको मैंने बताया कि आप सीधे इसके क्रिटिकल पॉइंट ही निकाल लो. इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो ये आपके पास आएगा, देखिए 4 प्लस माइनस कितना हुआ 48. 48 को आप लिख सकते हो 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से जब कट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ रहे हैं उनको मैं नंबर लाइन पे मार्क करता हूं. तो क्रिटिकल पॉइंट देखिए आएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3. तो छोटा वाला क्रिटिकल पॉइंट है 2 माइनस 2 रूट 3 और बड़ा वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज 2 प्लस 2 रूट 3. और ये है इसका वेवी कर्व. ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए देखिए ये मिल रहा और ये मिल रहा. सो आपको आंसर मिल गया वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस 2 रूट 3 यूनियन 2 प्लस 2 रूट 3 टू इन्फिनिटी एंड दैट इज योर आंसर. दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 2 माइनस 2 रूट 3 यूनियन 2 प्लस 2 रूट 3 टू इन्फिनिटी एंड दैट इज योर आंसर. ठीक है, ये आंसर. इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए. नो सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि आपको रेंज बताना है y इज इक्वल टू मॉड x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ट्राई करिए. माइनस 1 बाय 2 से 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 से 1 बाय 2 नो. अरे भाई ये तो देखो सीधे ये कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना. ये तो क्लियरली दिख रहा है कि निगेटिव हो ही नहीं सकता. वाई की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी इतना तो दिख रहा है. तो निगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता रेंज में. चलिए देखिए यहाँ पे हम करते हैं. टाइम ज्यादा नहीं है तो इसको देखिए. यहाँ पे इसका रेंज निकालना है. तो रेंज निकालने के लिए अब यहाँ पे मॉड लगा है, यहाँ पे मॉड नहीं है. तो आपके पास दो रास्ता है. या फिर आप केसेस लो कि केस 1 एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर ये मॉड हटाते इसमें साइन चेंज नहीं करो और फिर जो है तो आप फिर वही क्वाड्रेटिक लगा करके आप कोशिश करो. काफी लेंदी रहेगा इस तरीके से केस लेने में. तो दूसरा रास्ता है हमारे पास. दूसरा रास्ता ये है कि ये मॉड एक्स है और यहाँ पे एक्स यहाँ पे मॉड नहीं लगा तो हम इसको भी इसी के जैसे कन्वर्ट कर लेते हैं. बिल्कुल इन दोनों को सेम टाइप का कन्वर्ट कर लेते हैं.
यहाँ पे देखिए आई कैन राइट y इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन, स्नेहा माइक बंद करिए, अपॉन वन प्लस, इस x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मॉड x का स्क्वायर, ठीक है, ये आप कई बार कर चुके हो भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर, ये आप सबको पता है होता ही है ना, दोनों ऑलवेज पॉजिटिव है दोनों, और दोनों में आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि अब ये दोनों मॉड x आ गए, है ना, अलग अलग टाइप के फंक्शन नहीं है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा y प्लस y इंटू मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x। लेकिन आपने देखा कि भाई x को y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो फिर आप देखिए कि क्या क्वाड्रेटिक बन रही है, तो आपने देखा हाँ यस क्वाड्रेटिक बन रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक x में नहीं बल्कि मॉड x में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए। जब क्वाड्रेटिक बनाओगे तो आपके पास आएगा देखिए y इंटू मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड x, y इंटू मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस y इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ये आपके पास मॉड x में एक क्वाड्रेटिक आ गई। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाएं कि मॉड x इज रियल, सो इसका d ग्रेटर r इक्वल टू जीरो, ये एकदम नहीं लगाएंगे, ठीक है, या एक काम करते हैं पहले इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में मैं और बदल देता हूँ, मॉड x इक्वल टू t पुट कर दूंगा, तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक दिखने लगेगी, है ना, मॉड x इक्वल टू t पुट कर देता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो साइड में उसकी कंडीशन जरूर लिखते हो, तो मॉड x इक्वल टू t, तो यहाँ पे आप लगाओगे कंडीशन कि भाई t ग्रेटर r इक्वल टू जीरो, बिकॉज मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये बन गया देखिए y इंटू टी स्क्वायर माइनस t प्लस y इज इक्वल टू जीरो वेयर t इज ग्रेटर r इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाएं, यहाँ पे अगर आप ये कंडीशन लगाओगे कि अच्छा डायरेक्टली d ग्रेटर r इक्वल टू जीरो, तो काम नहीं चलने वाला, इस बात से बिल्कुल आपका काम नहीं चलने वाला कि आप बोलो कि अच्छा इसके रूट्स रियल होंगे, t की वैल्यू रियल होगी तो d ग्रेटर r इक्वल टू जीरो, अरे नहीं इससे नहीं चलेगा ना काम, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन है t ग्रेटर देन r इक्वल टू जीरो, रियल बस से काम नहीं चलेगा बल्कि t पॉजिटिव भी होना चाहिए, समझे, तो आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इसके रूट्स रियल एंड पॉजिटिव है। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कंडीशन लगाएं कि रूट्स दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव हो जाएगा चल जाएगा काम, तो आपको पता है इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट से भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आए, ठीक है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट है तब भी चल जाएगा काम, समझे, क्यों अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या बोथ रूट्स पॉजिटिव, ऐसा नहीं, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट आपको इस बात की कंडीशन लगानी पड़ेगी, बोथ पॉजिटिव रूट की कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट की कंडीशन लगानी पड़ेगी। एटलीस्ट वन पॉजिटिव की क्यों, मैं जल्दी से समझा देता हूं। मान लीजिए आपने बोला नहीं वन पॉजिटिव वन नेगेटिव रूट नहीं चलेगा, तो आपने बोला मान लीजिए कि अच्छा इसको सॉल्व किया और कहीं पे मॉड एक्स की दो वैल्यू आई, एक टू आया एक माइनस थ्री आया, बोले आपने इसको रिजेक्ट करते हैं, तो अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो जरा सोचिए कि मॉड एक्स इक्वल टू टू के लिए वाई की जो वैल्यू आ रही थी आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, बेसिकली आपकी रेंज में से एक पॉइंट मिस हो जाएगा, तो इसलिए आप इस केस को निग्लेक्ट नहीं करोगे, अदरवाइज ये वाले के करस्पॉन्डिंग जो रेंज में पॉइंट आता वो मिस हो जाएगा, तो इसलिए इस केस को लेना है, दोनों पॉजिटिव हैं तब तो लेना ही लेना है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव तब भी लेना है, तब भी अलाउड है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वाई की मान लीजिए कि कोई वैल्यू है जिसके लिए मॉड एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वाई की वो वैल्यू रिजेक्ट कर दोगे, भाई मॉड एक्स की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई तो वो आ ही रहा है, अगर आप इसको रिजेक्ट कर दोगे तो एक वाई का आंसर मिस हो जाएगा, इसलिए आपको कंडीशन लगानी होगी क्या, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट में दो केस होता है कि इसका एक रूट पॉजिटिव और एक रूट क्या हो जाए निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट की कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन जीरो अगर आप करते हो तो यहां पे देखिए क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए से वाई डिवाइडेड बाई वाई वन मिलेगा, वन लेस देन जीरो नॉट पॉसिबल, तो चलो इस केस का ऑटोमेटिकली आंसर नहीं आया,
केस टू एटलीस्ट वन पॉजिटिव में क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या फिर बोथ पॉजिटिव रूट्स। बोथ पॉजिटिव रूट्स की कंडीशन, बोथ पॉजिटिव रूट्स में क्या कंडीशन लगाते हो आप, सम ग्रेटर देन जीरो, और क्या लगाते हो, प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। बोथ पॉजिटिव तो सम भी ग्रेटर देन जीरो, प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट डी ये क्या लगाते हो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो।